सिनारियो आता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी ओर देखें तो जी गॉड कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करेंगे और प्लेयर को डाउन करने की कोशिश करेंगे। ओवेस की तरफ से आ चुका है यहाँ पर थ्रोएबल्स और नेड आई थिंक सो प्रोवाइड करा जाएगा और नेड के जी गॉड यहाँ पे क्लोजिंग कर चुका है, डैमेज प्रोवाइड करा जाएगा और आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि ट्रेड मारने के लिए कुछ प्लेयर्स की यहाँ पर कुछ को एक अच्छा सा डैमेज यहां पे गेन कर चुके हैं। मेन वाले यहां पर शॉट कनेक्ट हो गया जी गॉड के ऊपर, वो शॉट कनेक्ट हो गया। जी गॉड इज ऑन ब्लीड आउट पोजीशन, नियो थोड़ा सा बैक स्टेप आ चुके हैं। मुझे लग रहा है जी गॉड का वो फिनिश पॉइंट है कहीं ना कहीं ओवेज की तरफ से यहां पे कंफर्म होता हुआ नजर आने वाला है। नियो की तरफ से चाहिए बैकअप का सहारा और नियो यहां पर दोनों भी टीम की तरफ से नेट चल रहा है। फाइनली जॉनाथन एक अकेला स्टैंडिंग यहां पर बचता हुआ नजर आएगा। वन वर्सेस वन का सिनारियो आई थिंक सो हो सकता है या फिर वन वर्सेस टू का सिनारियो होगा। जॉनाथन की तरफ से यहां पर बिना रिकवर्ड के साथ में एक रिवाइवल जरूर से प्रोवाइड करेंगे। मैक्स निकल चुके हैं गॉर्डन की टीम के इतने ऊपर क्लच करने के लिए और देखते हैं क्या यहां पर मैक्स वन वर्सेस का सिनारियो क्रिएट करेंगे, बिकॉज यहां पर एक की हेल्थ काफी डाउन है क्लच गॉड की और जॉनाथन जो कि क्लच गॉड का देखा था जो टीम वर्क था वो कहीं ना कहीं काफी प्यारा दिखाई देता हुआ नजर आया और गॉडलाइक को गेम से बाहर कर चुके हैं।